नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल के लिए जगदूत न्यूज ब्यूरो मनोज कुमार की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं ने सीखा साइबर सिक्योरिटी का गुर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे इंसानों को इसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनेकों घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हीं में से एक है साइबर क्राइम। आज लगभग सभी क्षेत्रों में साइबर क्राइम का आतंक हावी हो चुका है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए स्थानीय फजलगंज स्थित नटराज होटल में शहर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान विक्टर क्लासेस के छात्र छात्राओं के बीच साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी छात्र छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जानकारी दी गई। इस सेमिनार में वहां मौजूद बच्चों को साइबर क्राइम के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि कोई भी हैकर किसी व्यक्ति के निजी वेबसाइट में किस तरह घुसकर उसकी सभी सूचनाओं को हैक कर सकता है और किस प्रकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बीटेक के छात्र व टेक विटोस के निदेशक शशांक दुबे ने वहां मौजूद छात्र छात्राओं को सेमिनार में अन्य संस्थाओं के वेबसाइट को हैक करके दिखाया और बताया कि किस तरह से साइबर के माध्यम से किसी घटना को अंजाम दिया जाता है या किसी को ब्लैकमेल किया जाता है। पढ़ें जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र, पल पल खबर के लिए बने रहे जगदूत न्यूज काम पोर्टल पर। जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ वर्मा। जो नहीं है, हमें अपने प्राइवेसी को मेंटेन करनी है, जिसके लिए ये पूरा सेमिनार कंडक्ट करा गया है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं है डिजिटल वर्ल्ड को लेकर। सो ये ऑल अबाउट है उनके लिए, जो कि समझ सके डिजिटल वर्ल्ड। अभी ये किस क्लास के बच्चे लगभग होंगे? यहाँ पर सारे क्लास के बच्चे हैं, फ्रॉम क्लास 8, 9 to 10, और ग्रेजुएशन के भी कुछ बच्चे हैं। तो क्या लगता है कि 8, 9, 10 बच्चों को भी ये बताना बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इनको ना बताएं तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जब तक ये अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने फील किया है, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो हमारे से साथ के बच्चे जो वहाँ पे हमारे साथ पढ़ते थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग की पढ़ाई करके आए हुए थे, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल नहीं था वहाँ का। शुभ नाम? मेरा नाम शशांक दुबे हुआ।